अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये बहुत ही खूबसूरत सा सॉफ्ट सटल स्मोकी मेकअप, या आप कह सकते हैं ब्लैक ड्रेस के साथ किस तरह से मेकअप करना है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ईद के लिए ये आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े की लॉन्ग लास्टिंग मेकअप है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत ही हेल्पफुल वेज में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लेट्स बिगेन। ईद आ गई है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपने क्या करना है, आपने आइस क्यूब के साथ ना पहले अपने फेस को अच्छे से कूल डाउन कर लेना है, इसके बाद आपने मेकअप स्टार्ट करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, डॉक्टर रशील का है ये प्राइमर और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, सीरम टाइप है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए, क्योंकि प्राइमर जो है वो मेकअप को लॉन्ग लास्ट करता है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फिनिशिंग देता है। अगर आपकी स्किन पर टेक्स्चर है, टेक्स्चर वाली स्किन है, तो आपने प्राइमर लाजमी अप्लाई करना है, या फिर अगर आपके डेड पैचेस पड़े हुए हैं, ड्राई पैचेस पड़े हुए हैं, तब भी आपने लाजमी प्राइमर अप्लाई करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे लेंजेज अप्लाई करी हूँ, ये धाप के लेंजेज हैं, दिस इज़ इन दी शेयर रेन, बहुत ही खूबसूरत कलर है और बहुत ही मेरा फेवरेट है, और डिफरेंस देख सकते हो कितना बहुत मज़े का ये कलर लगता है। और इसके बाद जनाब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, ये CVB की BB फाउंडेशन है, इसमें SPF भी है, इसमें SPF 30 अवेलेबल है और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, काफ़ी ज़्यादा ड्यूई फिनिशिंग देता है। इसमें मेरा शेड है 01, पिंक अंडरटोन में है, मैंने बहुत ही कम लाइक एक पम्प के बराबर ली है और वो अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर ली है और नेक पर भी अप्लाई कर ली है, और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। आपके ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो वेट होना चाहिए, सेमी वेट, मतलब उसमें थोड़ा सा वाटर होना चाहिए, तो अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है। ब्यूटीफाई बाय आमना का ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है ना यार, ये बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है। लास्ट में ट्राई करें, अगर आप चाहते हैं ना आपको बहुत अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए तो आप ये ऑर्डर कर सकते हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग हो जाती है। जो बाकी रह गया था उसे मैं एज अ कंसीलर ही अप्लाई कर रही हूँ। ये जो मेकअप है ये स्वेट प्रूफ भी होगा, नंबर टू लॉन्ग लास्टिंग भी होगा और बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन होगी। अगर आपको नो मेकअप लुक चाहिए ना जिसमें इतनी ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई ना लगती हो, तो ये लुक जो डेफिनेटली आपके लिए है। यहाँ पर आपको ज़्यादा बेस लग रही होगी, लेकिन इन रियल जो है ना बहुत ही नेचुरल फाउंडेशन थी मैंने जो अप्लाई की है, अच्छे से ब्लेंड किया है। टी जोन एरिया में मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया है और आप देख सकते हो इसकी कवरेज ज़्यादा लग रही है, लेकिन कवरेज ज़्यादा है नहीं, बहुत ही ज़्यादा मीडियम लाइट वेट इसकी कवरेज है। और आपने BB फाउंडेशन अप्लाई करनी है, या फिर आपने कंसीलर अप्लाई करना है, और इसके बाद आपने कॉम्पैक्ट पाउडर ले लेना है। आप यहाँ पर पैनकेक भी ले सकते हैं, हल्के हल्के अमाउंट हम अप्लाई करेंगे। एक साइड पर मैं पहले अप्लाई करके आपको डिफरेंस दिखा दूँगी कि किस तरह से फाउंडेशन जो है ना अपनी जगह पर अच्छे से सेट बैठ जाती है। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर या कोई भी पफ जो होता है ना उसके साथ अच्छे से स्टैम्प करते हुए फेस पाउडर अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल मैट लुक भी आती है और फाउंडेशन अपनी जगह बिल्कुल स्टिक हो जाती है। तो इस तरह से हमने फेस पाउडर अप्लाई कर लेना है। इसके बाद मैं आईब्रोज बना रही हूँ और आईब्रोज आप देख सकते हो मेरी ऑलरेडी बुशी हैं, तो मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ एक दफ़ा कलर पिक किया है और पूरी आईब्रो पे इस तरह से मैंने बस शेप दी है, डेट्स इट। इसके अलावा जो है ना मैंने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कलर देना है हमने कि एक जो है ना फेक लुक ना आए, लाइक मतलब बिल्कुल सिमेट्री में आपका मेकअप होना चाहिए। तो अच्छे से मैंने यहाँ पर हल्का हल्का अप्लाई करके और स्पूली के साथ स्प्रेड कर दिया। आप देख सकते हो डिफरेंस बिल्कुल नेचुरल लग रही है, कोई ऐसा इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक डेफिनेशन मिल जाती है आईब्रोज़ को। अगर आप नहीं करना चाहते या फिर आपके आईब्रोज मेरी जैसी ठीक हैं तब आप इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद मैंने मिस रोज़ की ये बिग पैलेट ली है, इस बिग पैलेट में बहुत ही खूबसूरत शेड्स हैं, मैट शेड्स बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हैं। मैंने कोई ब्राउन कलर नहीं लिया, मैंने कोई मरून कलर नहीं लिया, ये बहुत ही खूबसूरत सा मॉव मीडियम टोन में कलर था और पूरी लिड पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, मैट में है। आई मेकअप हमने कुछ इस तरह का करना है जो डे में भी अच्छा लगे, नाइट में भी अच्छा लगे और ब्लैक ड्रेस के साथ बहुत ज़्यादा सूट भी करे और बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक भी आए, इसलिए मैंने ये कलर चूज़ किया। आपने इसके अलावा न्यूड में भी जा सकते हैं, लेकिन ये कलर बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने पूरी लिड पे अप्लाई किया है। और इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, इसके एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने सिर्फ इसके एजेस को इतना ब्लेंड करना है, इतना ब्लेंड करना है कि पता ही ना चले कि हमने कलर कहाँ पर
ख़त्म किया है, हमने क्या अप्लाई किया है, क्या अप्लाई नहीं किया, इतना मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपने मेरा ब्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वहाँ भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको मेरी डेली ब्लॉगिंग, मेरी डेली रूटीन, सब कुछ आपको वहाँ देखने को मिलेगा। और अगर आपने मेरे प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखे मेरे ट्रिप के, तो वो भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, वहाँ भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ब्लैक पेंसिल जनाब अपना अप्लाई की है मेरी वाटर लाइन पर। आप जो है, आप अगर आपकी आँखें छोटी छोटी हैं तो आपने वाइट कलर अप्लाई कर लेना है, या फिर कोई भी आपने न्यूड पेंसिल अप्लाई कर लेनी है, ताकि आपकी आँखें जो है वो प्रोमिनेंट लगे, बड़ी बड़ी लगे। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ब्लैक कलर मैंने लिया है और पूरी लैश लाइन के साथ साथ ना, हल्का हल्का बिल्कुल लैश लाइन के साथ साथ यहाँ पर अप्लाई किया। और इसको मैंने फैला देना, लाइक इतना फैला देना है जितना फैला सकती हूँ मैंने, उतना इसको ब्लेंड कर देना है, ताकि बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक भी आए, बहुत ही ज़्यादा ब्लेंडेबल लुक आए और बहुत ही खूबसूरत लुक आए। तो मैं यहाँ पर ब्रश के साथ पहले अप्लाई कर रही हूँ, फिर मैंने इस तरह से इसको पिंच किया, मैंने एक एंगल ब्रश लिया ब्रेक सा, और इस तरह से लाइन क्रिएट करनी। इस तरह से लाइनर लगाना मुझे बहुत 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 ज़्यादा ईजी लगता है, कि एक आपने लाइन जो है वो इस तरह से खींचनी होती है और बस इस तरह से आपने पुल करना होता है अपनी आईज को, और इस तरह से अप्लाई करके ब्लेंड कर देना। मैं फिंगर के साथ भी इसको ब्लेंड कर रही हूँ, आप चाहे तो आप फिंगर के साथ, अगर आपको मुश्किल हो रही ब्रश के साथ या आपको ब्रश लगने का खतरा है, तो आपने क्या करना है, आपने फिंगर के साथ इसको ब्लेंड कर देना है। ब्लेंडिंग के बाद कुछ इस तरह की आईज लगेंगी। और नीचे भी मैंने सेम कलर अप्लाई किया है, और जो मैंने काजल अप्लाई किया था, इन दोनों को आपस में मर्ज कर देना है, दोनों ब्लेंड हो जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत लुक नज़र आएगी। रिमल का ये ब्लश है 3-in-1, बहुत खूबसूरत है, नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अच्छे से ब्लेंड करना है, अप्लाई करना है, और आपने ब्लश जो कलर लेना है वो होना चाहिए पीच कोरल में, आपने पिंक टोन में नहीं जाना, कोई भी मॉव टोन में नहीं जाना। ब्लैक ड्रेस के साथ जो है ना, पीच कोरल किस्म के जो ब्लश होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसी के साथ हम कंट्रोलिंग कर लेंगे, हल्की हल्की मैंने कंट्रोलिंग कर ली थी फोरहेड पे भी, मेरे जो लाइन पे भी, नोज पे भी आप हल्की हल्की कर सकते हैं। इसके बाद हाइलाइटर मेरे पास यहाँ पे दो है, ये मिस रोज का हाइलाइटर है, इसका शेड है जी 03, बहुत ही नेचुरल लुक देता है। अगर आप डे टाइम में अप्लाई करें तो आपने कोई भी इस तरह का चीखता हुआ हाइलाइटर अप्लाई नहीं करना जो ज़्यादा पॉप आउट हो। डे टाइम में बहुत ज़्यादा पॉप आउट होता है, तो आपने थोड़ा सा डल कलर का अप्लाई करना है। दोनों मैं अप्लाई करके दिखा रही हूँ एक साइड पे, और आपने टी जोन पे अप्लाई नहीं करना हाइलाइटर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ऑयल जो है मॉइस्चराइज़र आपका फेस से निकलता है, तो आपने टी जोन पे कभी भी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि टी जोन एरिया जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली होता है। तो मैंने यहाँ पर एक साइड पे 7 Cool का हाइलाइटर अप्लाई किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट कलर में है। दूसरी मैंने अप्लाई किया है मिस रोज़ का, जो कि बहुत ज़्यादा मीडियम टोन देता है, नेचुरल टोन देता है, तो ये डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं। और इसके बाद आपने अप्लाई करना है, मैंने सिर्फ हल्का सा नोज़ पे यहाँ पे ब्रिज पे अप्लाई किया है और टिप पे अप्लाई किया, और जो रह गया था सिर्फ यहाँ पे। इसके अलावा आपने कहीं भी हाइलाइटर अप्लाई नहीं करना, पूरी एप्पल ऑफ चीक पे अप्लाई नहीं करना। अगर ज़्यादा लग जाए तो आप इस तरह से ब्लेंड कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा समझी चाहिए तो आप इस तरह से ब्लश के साथ इसको ब्लेंड करेंगे, तो बहुत ही नेचुरल सी हाइलाइटिंग आपको मिल जाती है। इसके बाद ये हैंग पैंग की मिनी लिपस्टिक्स हैं, इसमें काफ़ी सारे न्यू रेडिश कोरल से कलर मिल जाते हैं, तो इसमें से मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा कोरल कलर था वो मैंने लिया है। और पहले मैंने आउटलाइन कर ली थी, ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत अच्छी लिपस्टिक्स हैं, आपको कहीं भी मिले तो आप ले लीजिएगा, काफ़ी अच्छे इसके शेड्स हैं। तो मैंने पूरे लिप पे इसको अप्लाई किया है, और इसके बाद जो है मैंने कोई भी डार्क कलर आप ले सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे सेम कलर लिया था, ये मॉव किस्म का कलर था, और इसके साथ मैंने अपनी लिपस्टिक को एक तो मैट कर लिया, दूसरा इस तरह लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, और बहुत ही अच्छी ना, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ज़्यादा मैट कैनवस मिल जाता है। तो इस तरह से मैंने अपनी लिपस्टिक को सेट किया था, और इसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाला हाइलाइटर लिया, इसके साथ मैंने मेरी ब्रो बोन को हाईलाइट करना है। और आप देख सकते हो, अगर आपने मैट मेकअप किया है या नो मेकअप किया है, तो अपने सिर्फ ब्रो बोन को और इनर कॉर्नर जिसे टियर डक भी कहते हैं उसको हाईलाइट कर लिया करें, इतना इनफ होता है, आपको किसी भी हाईलाइटिंग की आईज पे जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद मैंने लैश कलर के साथ अपने आईलैशेस को कर्ल किया है, और बॉब का मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप मस्कारा आईलैशेस वगैरह अप्लाई नहीं करना चाहते तो आपने डबल कोट मस्कारा कर लेना है अपने आईलैशेस को कर्ल करने के बाद। ये हमने झुमके पहन लिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ईद पे, तो इस तरह की ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है।
करती है। तो हमने यहाँ पर कुछ एक्सेसरी पहन ली है और इसके बाद आप कोई भी हेयर स्टाइलिंग कर लेंगे, अगर अपने बालों को बंद बना लेंगे या कोई अच्छी चुटिया कर लें वो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर अपने बालों को जिससे मैं बिल्कुल एक फ्लैट लुक देती हूँ वो भी बहुत अच्छी लगती है वैसे आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें आगे और सब्सक्राइब किया करें। अगर नए नए चैनल पर आते हैं, फर्स्ट टाइम आप ये देखते हैं, तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब किया करें। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, जब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।